देखिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा LL1 पार्सिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये दो प्रोडक्शन रूल्स दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे नल प्रोडक्शन रूल भी हमें दिया हुआ है। और जैसे कि एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिया, तो आप देख सकते हो इस ग्रामर में दो पार्स ट्री हमारे जनरेट हो रही है, एक ये हो रहा है और एक ये हो रहा है। देन ये ग्रामर आपकी क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। एम्बिगुअस, दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें यहां से मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसको हम चेक करेंगे अब कि वेदर दिस ग्रामर इज LL1 और नॉट। क्योंकि यहां पे आप देखोगे नल मूव है, तो इसलिए हम वो फॉलो वाली जो कंटेस्ट कंडीशंस थी उनको हम यहां पे लगाएंगे। तो लेट्स से ये चीज हमारी क्या हो गई, यहां पे α1 हो गई, ये हो गया हमारा α2 और ये हो गया हमारा क्या α3। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ α1, तो ये हमारा यहां पे क्या निकलेगा, स्मॉल a। ठीक है, यहां पे क्या निकलेगा, यहां भी हम फर्स्ट निकालेंगे, फर्स्ट यहां पे निकलेगा α2 का, तो वो क्या निकलेगा, b, बिकॉज यहां शुरुआत b से हो रही है। ठीक है, और इस वाले केस में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फॉलो, फॉलो निकालेंगे किसका, s का। तो यहां पे निकलेगा फॉलो ऑफ s, और फॉलो s एंड फॉलो ऑफ s हमारा यहां पे क्या होगा, आप देखो s के तुरंत बाद यहां पे टर्मिनल मिल रहा है b, तो बी भी होगा, और यहां पर इस वाले प्रोडक्शन रूल में देखोगे एस के तुरंत बाद मिल रहा है ए, तो ए और बी तो होंगे ही होंगे, और साथ में आपका डॉलर भी होगा बिकॉज आपका ये स्टार्टिंग सिंबल है। तो फॉलो ऑफ एस हो गया हमारा ए बी डॉलर। तो आइए अब हम टेस्ट करते हैं उन्हीं कंडीशन से। सबसे पहली क्या थी, फर्स्ट ऑफ α1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2, ये हमारा क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ α1 जो है हमारा यहां पे क्या निकला था, ए निकला था, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2 हमारा यहां पे बी निकला है, तो ये हमारा क्या निकला है, 5। ठीक है, 5 निकला है, दैट वाइज पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मींस दिस इज ओके, दिस इज फाइन, यहां से कोई इशू नहीं हो रहा। अब यहां पे चेक करिए, फर्स्ट ऑफ α1 इंटरसेक्शन, अब क्या करेंगे, फॉलो ऑफ ये एस। ठीक है, तो फॉलो ऑफ एस से अगर आप इंटरसेक्शन करोगे, देन आपको यहां मिलेगा ये ए, देन इंटरसेक्शन आपको मिलेगा ए बी और डॉलर, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ए। ठीक है, विच इज डज नॉट इक्वल टू 5, ये यहां पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ये यहां पे आपकी, दैट मींस यहां पे आपकी डबल एंट्रीज आएंगी पार्सिंग टेबल के अंदर। ठीक है, दैट मींस ये ग्रामर आपकी LL1 नहीं है, दिस ग्रामर इज नॉट LL1। तो मैं यहां पे सिंपली ये कंक्लूजन आपको कहना चाह रहा था कि इफ, ये नोट करिएगा प्लीज, इफ एनी ग्रामर इज एम्बिगुअस, इफ एनी ग्रामर इज एम्बिगुअस, ठीक है, देन वो कभी भी आपकी LL1 नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इफ एनी ग्रामर इज एम्बिगुअस, इट cannot be LL1। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये सबसे पहला कंक्लूजन है, ऐसी दो कंक्लूजन हम और पढ़ेंगे अभी। देखिए, ये हमें प्रोडक्शन रूल्स दिए हैं और हमें चेक करना है कि वेदर द ग्रामर इज LL1 और नॉट। तो ये हमारी हो जाएगी α1, ये हो जाएगा हमारा α2। अगर आप इनका दोनों का, क्योंकि यहां पे नल प्रोडक्शन नहीं है, देन बी हम दोनों के फर्स्ट का ही इंटरसेक्शन चेक करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ α1 इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ α2 चेक करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो यहां पे मिला ए, ठीक है, एंड इस वाली प्रोडक्शन रूल से भी हमें मिलेगा ए, तो दैट विच इज इक्वल टू ए, ये 5 नहीं है, दैट डज नॉट इक्वल टू 5, देन यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट मींस यहां पे डबल डबल एंट्रीज आएंगी। अगर आप नोटिस करोगे इस ग्रामर में क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग है। ठीक है, ये लेफ्ट फैक्टरिंग है, यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, लेफ्ट फैक्टरिंग एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि अगर ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग है, देन दैट ग्रामर कैनॉट बी LL1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी, ये है हमारा α1 और ये है हमारा α2। अगर आप इसका फर्स्ट निकालोगे, फर्स्ट ऑफ α1 अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, तो आपको यहां पे क्या निकालना होगा, फर्स्ट ऑफ SA।
तो एस को अगर आप फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहां पे फिर से क्या मिलेगा, एस ए, ठीक है। इसके बाद फिर से अगर एस को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे आपको मिलेगा एस ए, ठीक है। तो एंड सो ऑन ये कंटिन्यू करता जाएगा एंड दिस विल एंटर इनटू इनफाइनाइट लूप, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। इसका कभी आप फर्स्ट निकाल ही नहीं पाओगे एंड द रीजन इज इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है। मैंने जब आपको फाउंडेशन कोर्स में एकदम शुरुआत में ही बताया था कि LL1 ग्रामर्स में लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज फिर वहां पे वो इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाती है। और आप यहां इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो हमारा जो फॉर्मूला है वो यहां पे फेल हो जा रहा है बिकॉज हम फर्स्ट नहीं निकाल पा रहे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, आइए अब इसको समराइज करते हैं और सारे कंक्लूजन को एक जगह लिखते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला दैट अ ग्रामर इज सेट टू बी LL1 इफ इट डज नॉट हैव द फॉलोइंग थिंग्स। पहली चीज क्या, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए और एम्बिगुअस ग्रामर आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी के ऊपर गेट में भी एक प्रॉब्लम आई थी, ये तीनों ऑप्शंस पूछे गए थे कि क्या क्या कंडीशंस जो है LL1 ग्रामर के लिए होनी चाहिए।